हे गाइस, तो चलिए आज बनाते हैं चिकन ग्रिल्ड सैंडविच, वो भी घर में बहुत ही आसानी से। जैसे मार्केट में मिलता है तो वैसा ही हम घर में बनाएंगे। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें पानी रखेंगे गर्म करने के लिए, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और उसमें डाल देंगे 2-4 कलियाँ लहसुन, थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च और एक प्याज। और जैसे ही पानी गर्म हो जाए ना, तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं बोनलेस चिकन। बोनलेस इसलिए डाल रहे हैं ताकि फटाफट से पक जाता है। और ये जो सारी चीज़ें हमने डाली है ना गाइस, वो इससे मतलब चिकन में एक बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। तो 15 मिनट के लिए आपको उसको बॉईल करना है। उसके बाद चिकन के पीसेस को ना हम बाहर निकाल देंगे और जो प्याज और लहसुन वगैरह हमने डाला था उसकी ज़रूरत नहीं है, उसे साइड निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है और इसमें काफ़ी फ्लेवर भी आ गए। तो अब चिकन को आप चाहे तो फोक से या फिर हाथ से ऐसे श्रेड कर दीजिए, बिल्कुल पीसेस में, टुकड़ों में कट कर दीजिए। फिर डाल दीजिए प्याज, शिमला मिर्च, हरा धनिया और नमक और काली मिर्च पाउडर। ये हमने डाल दिया। प्याज शिमला मिर्च वगैरह जो हमने डाली है वो बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके डालिए। और फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर मेयोनीज़। मेयोनीज़ आप इस तरीके से डालिए कि जो चिकन है ना उसके अंदर एक मॉइस्चर आ जाए, ड्राई ड्राई ना लगे। फिर हमने डाल दिया यहाँ पे चिली सॉस और थोड़ा सा टमाटो केचप। तो जो मेयोनीज़ है और जो सॉसेस है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, या जिस चीज़ का फ्लेवर आपको नहीं पसंद है आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये जो हमारी स्टफिंग है ना बिल्कुल बन के रेडी है। अब मैं इसके ऊपर एक चीज़ क्यूब भी ग्रेट कर रही हूँ, टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चीज़ नहीं पसंद करते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो स्टफिंग बन के रेडी हो गई है। अब यहाँ पर लेंगे हम ब्रेड स्लाइस। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे ली है बड़ी वाली सैंडविच ब्रेड, अगर आपके पास है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज कोई सी भी नॉर्मल ब्रेड जो होती है ना आप वो भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर हमने लगाई स्टफिंग और इसके ऊपर लगा दी एक ब्रेड स्लाइस इस तरीके से और हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो या तो आप इसको ऐसे ही बना लीजिए या फिर अगर इसको आप और थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे 3 लेयर वाला बना रही हूँ, यानी 3 ब्रेड स्लाइसेस करूँगी। तो उसके अंदर फिर से हम स्टफिंग लगाएंगे और ऊपर से एक ब्रेड स्लाइस और रख दी। अब इसके ऊपर आती है बारी बटर लगाने की। तो गाइज़ आप इस पर बटर ज़रूर लगाइएगा, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, क्योंकि जैसे जैसे बटर मेल्ट होता है ना ग्रिल होते समय तो इसका फ्लेवर अंदर तक जाता है। तो यहाँ पर हमने ब्रेड लगा दिया उस पर मतलब बटर, और फिर इसको ग्रिल पैन में जो होता है मैंने इस तरीके से रखा नीचे वाला बटर वाला पोर्शन, और ऊपर के जो साइड है उस पर भी मैं बटर लगा दूंगी। तो बटर आप जब भी लें तो उसको रूम टेम्परेचर पे रख लीजिए, उससे क्या होता है ना कि वो अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। और ये देखिए, तब तक आप इसको पकाइए जब तक इस पर इस तरीके के मार्क्स ना आ जाएं। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसे नॉर्मल तवे या पैन पर भी सेक सकते हैं। अब बीच में इस तरीके से चाकू को घुसाइए और साइड से इस तरीके से इसको कट करिए। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो स्टफिंग होती है ना वो बाहर निकल के नहीं आती है। और ये देखिए, हमारा यम्मी सा जूसी ग्रिल्ड चिकन सैंडविच बन के रेडी। तो बाहर से अब चिकन सैंडविच मत मंगाइए, घर में बनाइए और इंजॉय कीजिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया और यमी बन गया है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।